नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का। केंद्र सरकार ने हज यात्रियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। हज पॉलिसी 2023 के मुताबिक इस बार हज के लिए आवेदन फ्री होगा, यानी सभी हज यात्री मुफ्त में आवेदन कर सकेंगे। बता दें कि पहले आवेदन के लिए 400 रुपए प्रति हाजी लिए जाते थे। इतना ही नहीं, इस बार करीब 50,000 प्रति हाजी छूट भी दी जाएगी। नई हज पॉलिसी के मुताबिक बुजुर्ग, दिव्यांग और महिलाओं को इस बार प्राथमिकता दी जाएगी। इस खबर पर हमारे संवाददाता गौरव हमसे जुड़ेंगे। गौरव, हज पॉलिसी 2023 की घोषणा कर दी गई है, जिसमें तमाम बड़े फैसले लिए गए हैं। क्या कुछ पूरी जानकारी है इसको लेकर? बहुत बेहतर पहल है यहाँ पर, जो हज को लेकर जिस तरह से पॉलिसी बनाई गई है, निश्चित रूप से पॉलिसी लाभ भी मिलेगा। अगर आप बात करें तो इस बार के कोटे में 1.75 लाख का कोटा बनाया गया है, और निश्चित रूप से यहाँ पर ये भी कहा गया है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया उसको 90% का कोटा रहेगा, और बाकी निजी ऑपरेटरों के लिए, निजी जो व्यवस्थापक हैं उनके लिए यहाँ पर केवल 10% का कोटा दिया गया है। इसके अलावा मयूरी, अगर बात करें तो यहाँ पर जो हज का आवेदन होता था उसमें भी यहाँ पर छूट का बात आई है, और छूट यहाँ पर दी गई। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो महिलाएँ हैं उनके लिए भी छूट रहेगी, और जो हज का आवेदन होता है उसको मंजूर करने के साथ साथ जो यात्री हैं उनको 50,000 तक की छूट भी यहाँ दी जा रही है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से यहाँ पर हज यात्री हज की यात्रा को जाते हैं। कहीं ना कहीं एक बहुत बेहतर पहल है, जो लगातार, चूँकि विपक्ष लगातार ये कहता आता है कि केंद्र सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार, ये लगातार अल्पसंख्यकों को लेकर कोई काम करना नहीं चाहती है, और शायद अल्पसंख्यकों को लेकर इनकी जो नज़र है वो कहीं ना कहीं ख़राब होती नज़र आती है। तो कहीं ना कहीं ये तमाम तरह के फैसले होते हैं वो स्पष्ट करते हैं कि सरकार के लिए सबकी नीति बराबर है। सरकार जो बात करती है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, उसी नीति पर काम करते हुए सभी वर्गों के लिए लगातार काम कर रही है, और हज पॉलिसी में जिस तरह से नीति बनाई गई है ये उसी का एक परिणाम है। गौरव, हज यात्रा में एक VIP कोटा हुआ करता था, जिसको केंद्र सरकार ने अब समाप्त कर दिया, तो इसको लेकर अब क्या प्रोसेस होगा? जी देखिए, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर VIP कोटा होता था और इसको केंद्र सरकार ने समाप्त कर दिया। कोटे का यहाँ पर अर्थ ये होता था कि जो जिनकी अगर सुनवाई जल्दी होती थी उनको पहले मौका मिल जाता था। कई चरण यहाँ पर हज यात्रा के लिए होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये देखा जाता था कि जो VIP हज यात्री होते थे उनको यहाँ पर सहूलियत मिल जाती थी, और निश्चित रूप से जो तमाम सामानों को ले जाने में भी छूट मिलती थी। तो कहीं ना कहीं वो छूट अब सबके लिए यहाँ पर जारी रहेगी, चाहे सूटकेस की बात हो, चादर की बात हो, छाते की बात हो, या अन्य जो जरूरी सामान की बात हो, तो निश्चित रूप से यहाँ पर छूट आम जनयात्री और आम हज यात्री को भी यहाँ मिलती नजर आएगी सरकार की नई हज नीति के तहत। जी धन्यवाद गौरव तमाम जानकारियों के लिए। यूपी सरकार राज्य में संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकारी संस्कृत कॉलेज खोलने जा रही है। राज्य सरकार 24 नए राजकीय संस्कृत महाविद्यालय खोलने की योजना बना रही है। यूपी में अभी सिर्फ 2 सरकारी संस्कृत इंटर कॉलेज हैं। इस संख्या को बढ़ाकर 26 करने के लिए 24 नए कॉलेज खोलने का प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में हुई एक बैठक में यह निर्देश दिया था। यूपी के माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र लिखकर संस्कृत कॉलेज के लिए जमीन चिन्हित करने को कहा है। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवांशु हमसे जुड़ेंगे। विवांशु, यूपी सरकार ने राज्य में संस्कृत शिक्षा को बढ़ाने के लिए 24 नए राजकीय संस्कृत महाविद्यालय खोलने की योजना बनाई है, क्या कुछ इसको लेकर जानकारी है? मयूरी, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में संस्कृत भाषा के विकास के लिए एक बड़ा कदम उठा रही है योगी सरकार। आपको बताएं कि प्रदेश के अंदर में 24 यानी कि लगभग 2 दर्जन से अधिक कॉलेज खोलने जा रही है। इसे साफ तौर से अगर देखे तो इसके लिए जगह चिन्हित करने की बात भी कही जा रही है। इसको लेकर हर एक जिले की जो DIOS है उनको पत्र के माध्यम से जमीन तलाशने की बात भी कही गई है। इससे साफ है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में जो भारत की प्राचीन भाषा है संस्कृत, जो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ देश की एक पहचान है, इसको इसे बढ़ावा मिलेगा। साथ ही आपको बताए मयूरी कि इसके अंदर में जो संस्कृत राजकीय स्तर के विश्वविद्यालय खोले जाएंगे, इसमें
संस्कृत माध्यम से पढ़ाई होगी। तो इससे साफ है कि जहां संस्कृत से देश विदेश के बाहर के भी लोग अब संस्कृत भाषा को से कायल हो रहे हैं, उसको सीखने की पहल शुरू की जा रही है, तो वहीं इसके विकास के लिए योगी सरकार 24 से अधिक संस्कृत विद्यालय खोलने जा रही है। आपको बताएं कि इससे कहीं ना कहीं देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर में संपूर्णानंद से सहित तमाम विश्वविद्यालय हैं जो संस्कृत के अंदर संस्कृत को लेकर हायर एजुकेशन कराते हैं, मगर इससे साफ होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर 24 से अधिक संस्कृत इंटर कॉलेज खुलेंगे, राजकीय इंटर कॉलेज। तो जो उत्तर प्रदेश के युवा हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं एक और सब्जेक्ट जो है संस्कृत, जो कहीं ना कहीं विलुप्त होते नजर आ रही है, और आज के समय CBSE और ICSE को जहाँ तवज्जो दी जा रही है वहाँ संस्कृत भाषा में जो पढ़ाई की जाएगी इसे कहीं ना कहीं एक अलग बदलाव भी देखने को मिलेगा। और देखने वाली बात यह होगी कि किन जिलों को ये सौगात मिलती है और किन किन जिलों में राजकीय विद्यालय खुलते हैं। जी विवांशु, ये जो 24 नए संस्कृत कॉलेज खोलने की बात हो रही है, ये जो काम होगा कितने चरणों में इसको पूरा किया जाएगा? जी इसको लेकर जो शिक्षा विभाग के प्रधान निदेशक है वो इसकी रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, और जो हर उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के DIO हैं उनसे संपर्क साध कर जमीन तलाशने की बात कहे हैं। आपको बताएं कि अब देखने वाली बात ये होगी कि किन किन जिलों को संस्कृत विद्यालय कहां कहां खोले जाते हैं, और अगर देखें तो इसमें खास कर अगर बात करें तो जो युवा है उनके पास एक ऑप्शन हो गया है कि आप इंग्लिश हिंदी के अलावा जो हमारी प्राचीन भाषा है संस्कृत उसमें भी वो इंटर कॉलेज की पढ़ाई यानी कि जो 10+2 होता है वो कर सकेंगे। और अगर देखें तो इससे कहीं ना कहीं जो संस्कृत लैंग्वेज है उसमें देश विदेश में भी एक स्कोप दिख रहा है युवाओं के लिए। तो इससे साफ होगा कि संस्कृत विद्यालयों में ये पढ़ाई होगी, उसके ठीक बाद ये हायर एजुकेशन के लिए देश के नामी गिरामी कॉलेजों में जाएंगे और कहीं ना कहीं देश में एक पहचान हासिल करेंगे। जी विवांशु, ये जो संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकारी संस्कृत कॉलेज खोलने की पहल की जा रही है, तो इससे वो जो लोग हैं कितना संस्कृत भाषा के प्रति उनका झुकाव बढ़ेगा? बता दें यूपी में अभी सिर्फ 2 सरकारी संस्कृत इंटर कॉलेज हैं, इस संख्या को बढ़ाकर 26 करने के लिए 24 नए कॉलेज खोलने का प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में हुई एक बैठक में यह निर्देश दिया था। यूपी के माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र लिखकर संस्कृत कॉलेज के लिए जमीन चिन्हित करने के लिए कहा है। लखनऊ के अलाया अपार्टमेंट की बिल्डिंग गिरने के मामले में आरोपी बिल्डर फहद यजदानी कई दिनों से फरार चल रहा है। पुलिस लगातार तलाश में जुटी हुई है, फिर भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। बता दें आरोपी की लोकेशन उत्तराखंड में मिली है, इसी आधार पर पुलिस दबिश दे रही है। वहीं इस मामले में मोहम्मद तारिक नवाजिश शाहिद की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। बता दें हादसे के कई दिन बाद भी आरोपी फरार चल रहा है, पुलिस लगातार दबिश दे रही है, लोकेशन के आधार पर दबिश दी जा रही है। लखनऊ के अलाया अपार्टमेंट में बिल्डिंग गिरने के मामले में आरोपी लगातार फरार चल रहा है।
बता दें बिल्डर की तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई है। बता दें पुलिस लगातार तलाश में जुटी हुई है, दबिश दे रही है, फिर भी अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं इस पूरे मामले में लगातार पुलिस दबिश दे रही है। लखनऊ के अलाया अपार्टमेंट की बिल्डिंग गिरने के मामले में आरोपी बिल्डर अभी तक फरार चल रहा है। तलाश लगातार जारी है। अलाया अपार्टमेंट की बिल्डिंग गिरने का मामला है जिसमें आरोपी बिल्डर फरार चल रहा है। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवांशु हमसे जुड़ेंगे। विवांशु, लखनऊ के अलाया अपार्टमेंट में जो बिल्डिंग गिरने का मामला सामने आया था उसके आरोपी अभी तक फरार चल रहा है, लगातार पुलिस द्वारा तलाशी की जा रही है, फिर भी क्यों अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है? जी मयूरी, आपको बता दें कि प्रदेश के अंदर में सुर्खियों वाला एक हादसा हुआ था, अलाया अपार्टमेंट हादसा, जिसमें तो 3 लोग की जान गई थी और 15 से अधिक लोग घायल हुए थे। साथ ही कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोगों की जो सपनों की महल था वो ढहा था। इसके बाद कहीं ना कहीं देखे तो मुख्यमंत्री ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एक जांच कमेटी की गठन की थी, जिस जांच कमेटी में बात की जाए तो लखनऊ के मंडलायुक्त रोशन जैकब, साथ ही साथ JCP लॉ एंड ऑर्डर पीयूष मोडिया और PWD चीफ को इस जांच कमेटी का हिस्सा बनाया गया था। आपको बताया कि 7 दिनों में रिपोर्ट देनी थी मगर अब तक रिपोर्ट दाखिल नहीं हुई है। वहीं अगर बात की जाए तो आज माननीय कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाते हुए और बिल्डिंग मालिक के फहद याजदान को राहत देते हुए कहीं ना कहीं उनकी गिरफ्तारी पे रोक लगाई है, जिसके बाद फहद याजदान की तरफ से 4 वीडियो सोशल मीडिया पर पेश किए गए हैं और माना ये जा रहा है कि अब फहद याजदान यानी कि जो बिल्डिंग के बनाने के मालिक थे, जो स्वामी थे, वो अब मीडिया के सामने आ सकते हैं। 4 वीडियो की अगर बात करें तो इस चारों वीडियो में वो अपने आप को बेगुनाह बता रहे हैं और कह रहे हैं कि साजिश के तहत हमें इस मामले में फंसाया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि मेरठ के समाजवादी पार्टी के नेता के भतीजे को इस मामले को लेकर गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें बाद में जो अभियुक्त था उसे पुलिस की गिरफ्त से छोड़ दिया गया था। अब मामले को कहीं ना कहीं देखे तो जो तमाम लोग हैं जो जिनकी सपनों की नगरी कहीं ना कहीं सेकंड के पलों में वो तहस नहस हो गई। और जो सीएम द्वारा जांच की कमेटी बनाई गई थी, जैसा अभी आपने कहा कि 7 दिन बाद भी रिपोर्ट नहीं दी गई, क्या वजह थी कि रिपोर्ट को नहीं दी गई, क्योंकि सीएम योगी ने स्वतः इस पर संज्ञान लिया था? जी बिल्कुल मयूरी, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने स्वतः संज्ञान लेते हुए 7 दिनों के भीतर जो जांच की रिपोर्ट थी उसको अपने समक्ष रखने की बात कही थी, मगर कहीं ना कहीं जो जांच कमेटी है वो अभी फिलहाल हाल फिलहाल में देखे तो जो पीड़ित हैं उनके परिवारों से मिलकर उनके सामानों का जायजा बना रही है और उनको कहीं ना कहीं जो न्याय के लिए उनको न्याय के लिए विश्वास रखने की बात कह रही है। अभी तक अगर देखा जाए तो आज माननीय कोर्ट का फैसला आया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस मामले को लेकर जो जांच कमेटी 7 दिन के अंदर अब तक अपनी रिपोर्ट नहीं दी है, इसमें आगे क्या होता है और क्या जो अफसर इसमें चुने गए थे जांच के लिए उनके ऊपर क्या जवाबदेही होती है। अब तक बात की जाए तो महज मुख्यमंत्री को जो पूरा मामला है उसकी रिपोर्ट भेजी गई। अब देखने वाली बात ये होगी कि मुख्यमंत्री और न्याय इस पर क्या अपना रुख अपनाता है। जी विवांशु, जो इस पूरे मामले में पीड़ित थे वो लगातार परेशान थे, वो अपना सामान ढूंढ रहे थे, अपने कागजात, फिर चाहे वो सोना चांदी हो, लगातार शासन प्रशासन के चक्कर लगा रहे थे, तो उनके लिए क्या कुछ कहा गया है, क्या कुछ आश्वासन दिया गया है? जी बिल्कुल, आपको बताया कि प्रशासन की तरफ से जब राहत बचाव का कार्य चल रहा था उस वक्त बात करें तो SDRF और NDRF की टीम जिस सामान को वहां से उठा रही थी, एक स्ट्रांग रूम बनाया गया था वहां पे सामानों को रखा जा रहा था और वहां अनाउंसमेंट किया जा रहा था कि आप जब पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो जाएगा उसके ठीक बाद जो भी जिसका सामान होगा वो उससे वापस किया जाएगा। आपको बताएं कि बीते दिन तमाम लोग अपने दस्तावेज, लाइसेंस,
बॉन्ड और सोने चांदी जेवरात की शिकायत लेकर वहां शासन के लोगों से बात करते हुए नजर आए, मगर अभी बात की जाए तो सामानों का जो रिलीज करने का सिलसिला है वो शुरू नहीं हुआ है। और जो परिजन है जो पीड़ित के, वो लगातार अपने सामान और दस्तावेजों की मांग कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि कब तक उनके सामान को रिलीज किया जाता है, क्योंकि बात देखी जाए तो आलिया अपार्टमेंट हादसा के बाद जो राहत बचाव कार्य था तो उनके दस्तावेजों को स्ट्रांग रूम में पूरी डायरी मेंटेन करके एक जगह सुरक्षित रखा जा रहा था, मगर अब तक सामान रिलीज नहीं किया गया है, जिससे जो तमाम पीड़ित हैं उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर बात की जाए तो आज कोर्ट के फैसले के बाद अब इसमें जो दोषी हैं उनके ऊपर क्या कार्रवाई होती है, और इसमें जो शासन की तरफ से जो पूरी फाइल कोर्ट के समक्ष रखी गई है उसमें कौन आरोपी बनता है, वो आने वाला समय बताएगा। जी जी धन्यवाद भ्रांशु तमाम जानकारियों के लिए। राष्ट्रीय लोक दल ने आज पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय लोक दल सभी जिलों के कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। बता दें कि ये प्रदर्शन किसानों की समस्याओं और गन्ना मूल्य के भुगतान के साथ आवारा पशुओं के रोकथाम के लिए प्रदर्शन था, जहां राष्ट्रीय लोक दल के कार्यकर्ताओं ने मेरठ, मुजफ्फरनगर व बागपत, सहारनपुर और शामली, गाजियाबाद, बिजनौर, हापुड़ में किसानों ने संदेश अभियान के अंतर्गत किया। प्रदर्शन करने के बाद ज्ञापन सौंपा गया। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ेंगे। विवेक, राष्ट्रीय लोक दल ने आज पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन किया, वहीं उन्होंने कलेक्ट्रेट में ज्ञापन भी सौंपा है, क्या कुछ पूरी जानकारी है इसको लेकर? प्रदेश में किसानों के मुद्दे की आवाज जो है लगातार उठा रही है और सरकार से सवाल जवाब कर रही है। पिछले कुछ दिनों पहले ही बजट आया था, केंद्र सरकार ने बजट जो है पारित किया था, लेकिन उसमें भी किसानों के लिए कुछ खास नहीं था, ऐसा लगातार है। उस तमाम विपक्षी पार्टियां और राष्ट्रीय लोकदल ये आरोप लगाते रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, जिसमें किसानों के मुद्दे गन्ने के लाभकारी मूल्य, फसलों के एमएसपी और आवारा पशुओं से जो फसलों का नुकसान हो रहा है किसानों का, इसको लेकर एक पत्र लिखा था। और आज जो है राष्ट्रीय लोक दल के लखनऊ के जो कार्यकर्ता है, लखनऊ के महानगर अध्यक्ष जो है, वो जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे थे डीएम को ज्ञापन देने के लिए, जहाँ पे सिटी मजिस्ट्रेट को उन्होंने अपना ज्ञापन दिया, जिसमें जो गन्ना मूल्य है लाभकारी मूल्य है, क्योंकि पुराई का सत्र जो है वो बीता चला जा रहा है, चार महीने से चीनी मिले जो है संचालित की जा रही है, लेकिन अभी तक गन्ने का लाभकारी मूल्य किसानों को नहीं दिया गया है। वही अगर बात की जाए तो फसलों की एमएसपी का भी एक बड़ा मुद्दा है, और इस ज्ञापन में अवध क्षेत्र में जो आलू की सब्सिडी की बात की जा रही है, जो उसके लिए मूल्य निर्धारित करने की बात की जा रही है, ये भी एक बड़ा मुद्दा उठाएगा। इसके अलावा इस ज्ञापन में जो आवारा पशु है, जो छुट्टा पशु है, उनसे लगातार जो किसानों के फसलों का नुकसान हो रहा है, इस मुद्दे पर यह ज्ञापन सौंपा गया। और लगातार जो है राष्ट्रीय लोक दल किसानों के मुद्दे पर प्रमुखता से जो है सरकार से सवाल जवाब कर रहा है, विपक्ष लगातार जो है सरकार को किसानों के मुद्दे पर घेरती रही है। मयूरी जी, विवेक, आज पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय लोक दल ने प्रदर्शन किया है, उन्होंने ज्ञापन भी सौंप दिया है, तो क्या उन्हें अभी तक कोई आश्वासन दिया गया है, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है इस पर? देखिए, सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा गया था राष्ट्रीय लोक दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा, बकायदा सिटी मजिस्ट्रेट ने ज्ञापन को प्राप्त किया और रालोद के कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया कि इस पर कार्रवाई हो जाएगी। जब हमने उनसे बातचीत की कि अगर इस पे भी सरकार कोई रुख नहीं इख्तियार करती है, कार्रवाई नहीं हो पाती है, किसानों के हित की बात नहीं हो पाती, तो राष्ट्रीय लोक दल का अगला कदम क्या होगा, इस पर राष्ट्रीय लोक दल के कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर इसकी कार्रवाई नहीं होती है तो विधानसभा का भी घेराव करेंगे, आगामी विधानसभा सत्र में इस चर्चा को उठाएंगे, इस मुद्दे को उठाएंगे, और जरूरत पड़ने पर मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव करेंगे। मयूरी जी धन्यवाद विवेक तमाम जानकारियों के लिए। चार बजे की चार बड़ी खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।